अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है स्ट्रॉबेरी शेक, और आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मज़ेदार सा जो सा गर्मा गर्म सीज़न में कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा जो सा स्ट्रॉबेरी शेक है वो कैसे बनेगा, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैंने ना 3 गिलास दूध के लिए हैं, तो ये टोकरी में काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरियाँ थी तो मैंने डाल दी हैं इसमें। मतलब हाफ के जी कह सकते हैं? हाँ जी, तो मीठा दूध है ये। अच्छा, मतलब हम लोगों ने थोड़ी सी शुगर ऐड की हुई है इसके अंदर, और अब हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर जो सा बॉइल्ड मिल्क है उसके अंदर हम लोगों ने जो सी स्ट्रॉबेरीज वो डाल दी हैं। ये है ना कि मतलब बच्चे दूध मीठा पीते हैं ना, फिर फ्रिज में ठंडा होता है, बर्फ़ नहीं डालेंगे हम लोग, अभी मौसम नहीं ना इतना बदला। हाँ, जब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई कि मतलब हम लोग इसके अंदर आइस क्यूब वगैरह शामिल करें या इसके अंदर आइस को ऐड करें, तो इसलिए हम लोगों ने जो फ्रिज का मतलब दूध मतलब ठंडा हुआ हुआ था तो वही हम लोगों ने ले लिया, और हम लोगों ने अब इसको ब्लेंड करना है। और आपको दिखाते हैं बहुत ही मतलब विद इन टू थ्री मिनट्स में ये जो सी हमारी जो सी स्ट्रॉबेरी शेक की रेसिपी है ये बिल्कुल अभी जो सॉरी ये जो ड्रिंक है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप इसको हम लोग ब्लेंड करते हैं, आपको दिखाते हैं। जी, तो व्यूअर्स, हम लोगों ने यहाँ पर जो सी शेक है उसको हम लोगों ने रेडी कर लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है। तो भी फट माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जौन सा हमारा आज हमने आपके साथ एक ड्रिंक की जौन सी रेसिपी को शेयर किया है वो है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो ये बिल्कुल फाइनल हो गया है, तकरीबन 2 मिनट भी नहीं इसको लगे और झटपट के बन गया है। तो मतलब क्योंकि एक रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी आप लोगों को, मतलब अफ्तारी में सारे दिन की भूख तो थोड़ी सी एसिडिटी हो जाती है, तेजाबियत से फील होती है, तो मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पीनी नहीं मुनासिब होती। मतलब खाले पूरे दिन की भूख के बाद जब आप एकदम से रफ्तारी करते हैं तो फिर उसमें इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड ही करना चाहिए। तो बजाय इसके कि हम लोग ऐसी ही अनहेल्दी चीज़ें यूज़ करें या ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करें, हम लोग हेल्दी और जो से मतलब वो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो चीज़ें यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए दूध का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। तो हम लोगों ने आपको ज़रा इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए स्ट्रॉबेरी के साथ इसको हम लोगों ने बनाया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो से हमारी ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की जो सी ड्रिंक है इसकी रेसिपी पसंद है कि पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। इसके साथ साथ अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी जो सी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो भी जब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नित नई जो सी रमज़ान की रेसिपीज़ हैं वो भी शेयर करेंगे, इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी ड्रिंक्स भी शेयर करेंगे। तो अब बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कि नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।